हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैशन नंबर सिक्सटीन फॉर एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू देखो क्या कह रहा है यहाँ पर हिंट दे रखा है और हिंट की वैसे जरूरत नहीं है हम खुद भी लॉजिकल सोच सकते हैं ए प्लस बी है उसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ अच्छा ये ऐसे ले रहा है हिंट ठीक है रो वन से इसको माइनस करूँ फिर इसको माइनस करूँ तो ये खत्म हो जाएगा मैं कॉलम से भी ले सकता हूँ ये वाली चीज है ना कॉलम से भी ले सकता हूँ इस वाली चीज को कॉलम के लिए भी मैं कॉलम वन कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री क्योंकि ये भी सेम ही है सबसेट हो जाएंगे देखो इधर ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए b प्लस सी माइनस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी और देखो b प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी सी प्लस ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी से c नहीं जा रहा है ये क्या गड़बड़ हो रही है a से a चला गया b से b चला गया c कैंसल आउट क्यों नहीं हो रहा है चलो कोई नहीं हो रहा था माइनस का टू सी छोड़ दो इधर से सी से सी चला गया बी से बी चला गया माइनस का टू भी छोड़ दो यहाँ पे ए से ए चला गया सी से सी चला गया माइनस का टू बी छोड़ दो ए मतलब है फिर बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी सी प्लस ए ए प्लस बी बी प्लस सी कॉमन निकाल ले इसमें से माइनस टू बाहर निकाल लेते हैं पूरी कॉलम वन में से इसके रो वन में आएगी क्योंकि ये रो के अकॉर्डिंग कर रहा होगा अपन कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं आउट कॉमन फ्रॉम कॉलम क्या बचा सी ए बी सी ए बी अंदर क्या है सेम वैल्यूज बची है अंदर तो बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी सी प्लस ए ए प्लस बी बी प्लस सी ठीक है अब देखो अपन ने काम करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव ही रहने देते हैं ना उससे ज्यादा इजी होगा मेरे अकॉर्डिंग देखो अगर अपने, अपने यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ते तो यहाँ पर नेगेटिव 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 होता अब अगर इसके साथ में इसको ऐड करता तो ऑटोमेटिकली सी से सी कैंसिल बी से बी कैंसिल ए से ए कैंसिल और ई आउट हो जाता ना तो इसको प्लस रहने तो एक काम करो अब और सही रहेगा अब आप काम करो जो कॉलम वन है ना उसके लिए कॉलम वन प्लस कॉलम थ्री को ऐड कर दो देखो माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस ए, ए प्लस ए प्लस बी और माइनस बी, बी प्लस बी प्लस सी इधर देखो ये बी प्लस सी एज इट इज अभी और इसके लिए भी फिर साथ ही लगाओ एक काम करो इसको भी साथ ही लगाओ या इसके बाद लगाए यहां पर मेरे पास ए बच जाएगा फिर मैं उसको कैंसल आउट करूंगा उससे पहले लगा दो फिर साथ में एक काम करो। ये जो C2 C2 है ना, C2 के लिए भी मैं चेंज कर रहा हूँ C2 टू प्लस सी है ना इस पुराने वाले से ही बात कर रहा हूँ अभी मैं ना तो B प्लस सी माइनस सी सी प्लस ए माइनस ए और A प्लस बी माइनस बी इधर देखो यहाँ पर सी uh, टू वाली जो कंडीशन बच रही है मेरे पास इसमें भी सेम कंडीशन लगा दो सी थ्री के लिए भी सी थ्री प्लस सी वन ए बी सी यहाँ पर है और सी ए बी यहाँ पर है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बी माइनस सी बचेगा यहाँ पर देखो पहले दो चेंज कर लेते हैं ना ज्यादा हो जाएगा हॉश वॉश मामला इसको एज इट इज रखो अभी अब देखो क्या कैंसल आउट होके बच रहा है पहले तो यहाँ ए बचा यहाँ बी बचा यहाँ सी बचा एक लाइन तो आ गई मेरी यहाँ बी बचा यहाँ सी बचा यहाँ ए बचा यहाँ पर अभी भी सी प्लस ए बचा है ए प्लस बी बचा है बी प्लस सी बचा है सारा हिंट आरएचएस के ना छुपा हुआ है, है ना अब मुझे यहाँ सी चाहिए मतलब ए नहीं चाहिए तो मैं यहां पर क्या करता हूं सी थ्री के लिए सी थ्री माइनस सी वन कर रहा हूँ इस बार समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं लॉजिक समझो बात का ओके नेक्स्ट में देखो ये टू एज इज आ रखा है मेरे पास ए आ गया है बी आ गया है सी आ गया है बी आ गया है सी आ गया है ए आ गया है अब ये देखो सी प्लस ए सी प्लस ए इसमें से माइनस ए कर रहा हूं कॉलम वन फिर ए प्लस बी है फिर बी प्लस सी है ए बी सी बी सी ए से ए से सी ए बी क्लियर है क्या ये लो आपका आर एच एस आ गया प्रूव क्वेश्चन सिक्सटीन कंप्लीटेड क्लियर है यहां पे आप आर एच एस को देखा करो कुछ ना कुछ हिंट जरूर लगेगा आपके दिमाग में ओके okay?